प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर SWNU। ऊपर से कुछ आदेश आया है। देखिए यहाँ के जो मेन यहाँ के न्यायाधीश है, यहाँ के प्रिंसिपल जज साहब अनिल सुब्रमण्यम जी ने हमें आज 3 लेटर भेजे हैं। सुबह से हम जो है धरने पे बैठे हुए हैं, भूख हड़ताल पे है, चैन हंगर स्ट्राइक पे है। उन्होंने पहला तो लेटर ये दिया है कि आप ये बंद कीजिए, हंगर स्ट्राइक मत कीजिए। उसमें ये नहीं कहा लिखित में कि हमने आपकी मांगे जो है ये किया है। दूसरा ये है कि कोर्ट के जो भी आदेश आए हुए हैं वो हम आपको सूचित करने के लिए दे रहे हैं। उसमें ये लिखा गया है कि 2 तारीख से कुल 8 कोर्ट यहाँ से शिफ्ट करने का आज का उनका निर्णय जो है, हमारे आंदोलन के ऊपर उन्होंने जो किया हुआ है एक प्रकार से हमारे अधिकारों के खिलाफ में किया हुआ है। हमने कल ही डिक्लेयर किया था कि कल तक हमें कोई लिखित में नहीं लेटर मिला हुआ है, आज लिखित में उन्होंने लेटर दिया और इमीडिएटली बताया कि 8 कोर्ट यहाँ से जाएंगे। और यह लड़ाई जो है, भूख हड़ताल की लड़ाई जारी रहेगी। कल भी हमने जैसे डिक्लेयर किया था 2 दिन का हमारा चैन हंगर स्ट्राइक कंटिन्यू रहेगा। उसके बाद में भी 2 तारीख से जैसे ही कोर्ट खुलेगी 2 तारीख से ही हम एक बड़ा आंदोलन, एक बड़ा हंगर स्ट्राइक, एक चैन हंगर स्ट्राइक जिसको हम साखड़ी उपोषण कहते हैं यहाँ पे किया जाएगा। अगर गवर्नमेंट और हमारे सम्माननीय न्यायाधीश अगर इसको नहीं समझते हैं और हमारे खिलाफ में इसी प्रकार से निर्णय लिया जाता है तो हम जो है आगे जाके एक बड़ा लॉन्ग मार्च वकीलों का इसके खिलाफ में यहाँ निकालेंगे और हमारे अधिकारों के लिए संविधान में जो भी हमारे राइट्स है, संविधान ने जो भी हमें अधिकार दिए हैं उसको यूटिलाइज करके हम यहाँ पे बड़ा एक आंदोलन करेंगे। और हम इस माध्यम से, इस प्रेस वार्ता के माध्यम से गवर्नमेंट को, सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय शिंदे सरकार, उसी के बाद में डिप्टी CM साहब देवेंद्र फडणवीस जी, उसी के बाद में लॉ एंड जुडिशियरी के सेक्रेटरी, उसी के बाद में चीफ डिप्टी CM अजीत पवार जी और यहाँ के प्रिंसिपल जज अनिल सुब्रमण्यम जी, चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हम उन्हीं को यही कहना चाहते हैं कि प्लीज टेक बैक द डिसीजन ऑफ ट्रांसफरिंग कोर्ट फ्रॉम मेन ब्रांच सिटी सिविल टू द मझगांव, इट इज एंड एनीवेयर। सो माय हम्बल रिक्वेस्ट दैट वी आर ऑन अ चेन हंगर स्ट्राइक। Today is the first day. We are going to sit till 7 o'clock in the premises of the court and tomorrow we are going to continue. Please, Suomoto, take the cognizance of this issue and if this notification, this transfer is not going to take back, then on 2nd January 2024 onwards, we are going to continue this chain hunger strike and many more advocates will join and will have a one long, long march. Thank you.